कैमरे के सामने बागेश्वर धाम ने दिखाया ऐसा चमत्कार, सनातन धर्म पर अब कोई नहीं उठाएगा सवाल। जयपुर की सभा में ऐसा क्या हुआ, हजारों भक्तों के सामने फूट फूट कर रोने लगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। क्या शादी के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की खत्म हो जाएंगी दिव्य शक्तियां, पहली बार कर दिया खुलासा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने वाले और भगोड़ा साबित करने वालों को पहली बार शास्त्री ने कैमरे के सामने ऐसा चमत्कार दिखाया है जिसके बारे में कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को पकड़ने के लिए सैकड़ों कैमरे लगाए गए थे, हजारों पत्रकार थे, लेकिन कोई भी कैमरा काम नहीं आया। रायपुर के दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो दिखाया है, उसके बाद से सनातन धर्म और बागेश्वर धाम पर सवाल उठाने वाले अब नाम लेना भी भूल जाएंगे। लेकिन इसी सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अचानक से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रोने भी लगे। वो कौन सा डर है जिसके लिए धीरेन्द्र शास्त्री बार बार आगाह कर रहे हैं? क्या सच में किसी कन्या से शादी करने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियां खत्म होने वाली हैं? इसका खुलासा भी पहली बार कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगे थे कि नागपुर से डरकर भाग आए। सवाल उठे तो शास्त्री ने भी कहा था कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तो पहली बार देश की पूरी मीडिया के सामने बागेश्वर महाराज ने लाइव कैमरे के सामने चमत्कार दिखाकर हर किसी को हैरान कर दिया है। रायपुर की कथा के दौरान देश और प्रदेश के सैकड़ों पत्रकार पहुंचे थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया के दो लोगों को मंच पर बुलाया, लेकिन वहां पर एक अनजान आदमी को भेजा गया जो वाराणसी का रहने वाला था। उस शख्स के बोलने से पहले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना पर्चा तैयार कर लिया था। धीरेन्द्र शास्त्री ने उस शख्स से कहा, तुम्हारी जेब में एक पर्चा भरा हुआ है, उसमें 6 सवाल लिखे हैं। उसमें पहला सवाल बागेश्वर धाम का है, दूसरा सवाल उनकी बहन से जुड़ा हुआ है। इतना सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो शख्स वहां पर पहुंचा था उसकी जेब में सच में एक पर्चा था और वही सवाल उसमें लिखे थे जो धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले ही पर्चे में अपने लिखा था। अगर सैकड़ों कैमरे के सामने धीरेन्द्र शास्त्री ने इतनी बड़ी परीक्षा दे दी तो इससे बड़ी और क्या अग्नि परीक्षा हो सकती है। लेकिन इसी मंच पर कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री भावुक होकर रोने लगे। रोते हुए शास्त्री ने कहा कि हमें सिर्फ सनातनी हिंदू होने की वजह से परेशान और टारगेट किया जा रहा है। कितनी बार हमारी परीक्षा ली जाएगी? सिर्फ हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या कोई किसी पादरी या फिर मौलाना पर ऐसा सवाल उठा सकता है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी अग्नि परीक्षा तो दे दी, लेकिन इसी बीच ये बात भी बहुत तेजी से उठ रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब शादी करने जा रहे हैं और जिस कन्या के साथ साथ फेरे लेंगे उसके बाद उनकी दिव्य शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन इसका सच भी जान लीजिए, क्योंकि खुद बागेश्वर महाराज ने इसके बारे में बताया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम जल्द ही सनातन धर्म के अनुसार शादी करेंगे, लेकिन शादी के बाद हमारी शक्तियों में कोई भी कमी नहीं आएगी। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री का ये भी कहना है कि हम अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से भाग आए, उन्हें भी जवाब मिल गया है। अगर अभी भी किसी को लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार गलत है तो उनके दरबार में जाकर उसे अनुभव करना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि बागेश्वर महाराज जादू टोना करते हैं या फिर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। योग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।